हे फ्रेंड्स, दिस इज प्राजक्ता एंड वेलकम टू माय चैनल आर्टी क्राफ्टी। आज हम एक ग्लास बोतल को डिकपाज आर्ट से डेकोरेट करेंगे। ये एक बहुत ही प्यारा सा आर्ट फॉर्म है। मैं यहाँ बोतल पर ये जेसो अप्लाई कर रही हूँ। दिस जेसो विल वर्क एज अ प्राइमर फॉर आवर पेंट। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक पेंट भी यूज कर सकते हैं। जेसो अप्लाई करने के लिए आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्पॉन्ज यूज करते हैं तब एक प्यारा सा टेक्सचर बनता है और ब्रश के स्ट्रोक्स भी नहीं दिखेंगे। ये डिकपाज आर्ट आप बहुत से सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ग्लासवेयर, वुड, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, टिन, टेराकोटा और पेपर मैशे। जेसो का एक कोट लगाने के बाद इसे अच्छे से ड्राई होने दें और उसके बाद इस पर दूसरा कोट लगाएं। इंस्टेड ऑफ वाइट यू कैन ऑल्सो यूज ब्लैक जेसो एज पर योर डिजाइन। दो कोट लगाने के बाद बॉटल को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। डेकपाज आर्ट फॉर्म में अगला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है डेकपाज टिश्यू पेपर को बॉटल पर अप्लाई करना। ये एक प्रिंटेड टिश्यू पेपर है, इसमें आपको बहुत सारे डिजाइन्स मिल जाएंगे। मैंने साइकिल प्रिंट का टिश्यू पेपर लिया है। इस पर जो पूरी प्रिंट है वो हम यूज करेंगे। हमें बॉटल के साइज के अकॉर्डिंग टिश्यू पेपर लगेगा। जितना पेपर हमें चाहिए उतना ही हम कट कर लेंगे। इस पेपर को हम सीजर से कट नहीं करेंगे। इसे कट करने के लिए एक पेंट ब्रश को पानी में डिप करके उससे पेपर पर निशान लगाएंगे और अब इस टिश्यू पेपर को हल्के से अलग करेंगे। इस तरह से पेपर कट करने से हमें एक रैंडम बॉर्डर मिल जाएगी जो दूसरे कलर के साथ आसानी से मर्ज हो जाएगी। मैंने ये पेपर कट कर लिया है। इस टिश्यू पेपर का सबसे थीन लेयर हमें यूज करना है, तो हम बाकी के दो लेयर्स निकाल लेंगे। ये काम बहुत केयरफुली करना है। बचा हुआ टिश्यू पेपर हम साइड में रख देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू यूज मॉड पॉज ग्लू। मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के मॉड पॉज ग्लू अवेलेबल है। बॉटल पर टिश्यू पेपर की जगह एक बार फिक्स करेंगे। टिश्यू पेपर बॉटल पर रख कर देखेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ आना चाहिए। एक बार डिजाइन फिक्स होने के बाद उसको बॉटल के साथ स्टिक करेंगे। मॉडपॉज ग्लू का अच्छा सा लेयर लगा के हमें टिश्यू पेपर को स्टिक करना है। टिश्यू पेपर को डायरेक्ट स्टिक करने पर इसमें बबल्स आ जाते हैं, तो ये काम बहुत ही केयरफुली करें। हमने टिश्यू पेपर के नीचे का पार्ट जो निकाल कर रखा था उसका बॉल बनाएंगे और पेपर पर हल्के से रब करेंगे। अगर कोई बबल बना तो इस प्रोसेस से वो निकल जाएगा। टिश्यू पेपर की जगह आप स्मूथ कैरी बैग का भी यूज कर सकते हैं। इस टिश्यू पेपर को अच्छे से लेकिन हल्के हाथ से रब करेंगे ताकि हमारा डिजाइन बॉटल पर इवनली स्टिक हो जाए। ये जो स्टिकिंग प्रोसेस है वो हमें पार्ट्स में ही करनी है। हमने पेपर का सबसे थीन लेयर लिया है। अगर हम पूरी जगह पर एक साथ ग्लू लगाएंगे तो हमारा पेपर स्प्रेड करते वक्त आड़ा टेढ़ा स्टिक हो सकता है। एक बार ये पेपर स्टिक हो गया तो उसे निकालने पर डिजाइन खराब हो सकता है, तो इस प्रोसेस को टाइम लेकर अच्छे से धीरे से करेंगे। मैं बॉटल को बाइसिकल थीम से डेकोरेट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने बाइसिकल प्रिंट का डिकपाज पेपर लिया है। लेकिन डिकपाज में आपको अनलिमिटेड डिजाइंस पेपर मिलेंगे। आप किसी पर्टिकुलर थीम के अनुसार या फिर अपने चॉइस से डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिकपाज पेपर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपके पास मॉड पॉज ग्लू नहीं है तो आप किसी वाइट ग्लू में थोड़ा पानी मिक्स करके उसे भी यूज कर सकते हैं। पेपर के बॉर्डर को अच्छे से सील करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कलरिंग का स्टेप। इसके लिए मैं चॉक पेंट्स यूज कर रही हूँ। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लू कलर और टील कलर को मिक्स करके ये शेड बनाए हैं। डिकपाज आर्ट में कलर चूज करते वक्त आप अपने डिजाइन को मैच करने वाला कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मेरे डिजाइन में स्काई ब्लू के अलावा रेड, पिंक, ऑरेंज और ग्रीन शेड्स भी है, तो अदर कलर्स कैन ऑल्सो गो विथ दिस डिजाइन। मुझे यहाँ बाइसिकल्स और नेचर का कनेक्शन दिखाने वाला स्काई ब्लू कलर अच्छा लगा, तो मैंने ये चूज कर लिया। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टेंसिल।
मैंने थीम के साथ जाने वाला लियूज का स्टेंसिल लिया है। इसको लाइट ग्रीन कलर से बॉटल पर प्रिंट करेंगे। ग्रीन कलर अगर डार्क लिया तो वो हाईलाइट होगा और बाकी डिजाइन के साथ नहीं जाएगा, इसलिए मैंने लाइट कलर यूज़ किया है। वीडियो में लाइट ज़्यादा होने की वजह से शायद ही आपको क्लियर ना दिखे, बट इट्स लुकिंग प्रीटी विथ अदर डिज़ाइन। अगेन, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के स्टेंसिल्स अवेलेबल हैं। आप अपने डिज़ाइन के अनुसार अलग प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। हमारे डिज़ाइन का एम्प्टी स्पेस भरने के लिए और उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर से कुछ ऐसे फ्लावर्स बनाए हैं जो डिज़ाइन को एग्जैक्ट मैच करें। डिज़ाइन में जो कलर है उन्हीं को यूज़ करके ये फ्लावर्स बनाए हैं। हम लियूज को भी थोड़ा हाईलाइट करेंगे। वंस वी फिनिश विद कलरिंग पार्ट, वी विल स्टार्ट डेकोरेटिंग अवर बॉटल एज पर अवर चॉइस। मैंने जूट रोप से बॉटल के बॉटम और टॉप पार्ट को कवर किया है। अगेन, यू कैन यूज एनी कलर जूट रोप, बट द ओरिजिनल वन वॉज गोइंग वेल विथ माई डिजाइन, सो आई यूज दिस वन। फ्रेंड्स, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अकाउंट। आई हैव गिवन डिटेल्स अबाउट माई हैंडल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Decoupage is an art form which can transform any waste material into beautiful piece of art. This beautiful bottle can be the best gift for your bike lover friend. This was definitely a time-taking process, but I am happy with the outcome. Friends, you can tell me how much you like this video by commenting in the comment box below. You can also ask if you have any doubts or need more information about decoupage art form in comment section below the video. Don't forget to tell which part of this video you like the most. मैंने फेविक्रिल हाइलाइटर से कुछ क्लाउड्स बनाए हैं एंड दोज आर लुकिंग सो क्यूट। आई एम गोइंग टू स्टिक दिस जूट फ्लावर टू डेकोरेट द बॉटल मोर। Next is my favorite step. Writing beautiful and theme-related quotes makes me happier. Here I am writing a quote which I found on internet and is perfect for this bottle art. There are ready-made stamps with quotes which you have to ink on your bottle. But I like this way because you can write any quote you like. You can use Sharpie or permanent marker, or you can just paint your favorite coat with acrylic color. Here I am writing a quote which I found so perfect for this bottle. It's biker by heart, rider by passion. We'll make some design to make it look prettier. Lovely. These are metal charms that truly enhance beauty of your creation. I am using a key and pair of wing charms which are going with my bottle art very well, tying them with a jute rope. If you like this video, please subscribe to my channel and press the bell icon to be notified as soon as I post a new video. Hit the like button and share it with your friends and family. Also, let me know how much you like this video by commenting in the comment box below. These wings with a key are looking super cute. Now the last process of decoupage is to apply Mod Podge glue to seal all the steps. Apply generous amount of Mod Podge with a big and flat brush. Don't move your brush in both direction while applying on marker letters. It can spread ink of letters. After one coat is completely dry, apply second coat. Let our bottle dry overnight. And tada! Here is our end result. I love this bottle very much. You can use it as flower vase or a gift for your bike rider friend. आज का वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगले वीडियो में।